एक लड़की कागज के फूल बेच रही थी, लेकिन वो फूल कोई भी नहीं खरीद रहा था। तब एक अच्छी विच वहाँ पर आकर उसके फ्लावर्स पर मैजिक करके उन्हें खूबसूरत और अच्छी फ्रेग्रेंस वाला बना देती है। अब ये विच आखिर कौन थी और उसने ऐसा कैसे किया? अब इसी के साथ हम देखते हैं एक विच को जो जंगल में अकेली रहा करती थी और उसका नाम द लिटिल विच था। और यहीं पर हम देखते हैं कि वो मैजिक करने की प्रैक्टिस करती रहती थी, लेकिन उसका कोई भी जादू सक्सेसफुल नहीं हो पाता था। उसके साथ जंगल में एक मेंबर और भी रहता है जो कि लिटिल विच का फ्रेंड था, और वो एक क्रो था जो कि लिटिल विच को अच्छी अच्छी बातें सिखाया करता था। अब लिटिल विच अपने फ्रेंड यानी उस क्रो को कहती है कि मुझे भी उस एनुअल पार्टी में जाना है जहाँ पर रात में सारे विचेस डांस किया करती थी और वहाँ पर वो काफी इंजॉय भी करती है। तो वो क्रो उसे बताता है कि तुम उस पार्टी में नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पर सिर्फ इन्विटेशन वाली विचेस ही जा सकती है, और तुम तो वहाँ पर इन्वाइटेड भी नहीं हो, और साथ साथ तुम बहुत छोटी भी हो। तब लिटिल विच कहती है कि मैं छोटी कैसे हो सकती हूँ क्योंकि मेरी उम्र 127 साल है। अब यहीं पर हमें दो बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि सिबलिंग्स थे। उनमें जो लड़का होता है यानी जो भाई होता है उसका नाम थॉमस होता है। यहाँ पर थॉमस अपनी बहन से पूछता है क्या तुमने कभी कोई विच देखी है, और इन बच्चों को ये बात भी पता होती है कि साल में एक बार सारी विचेस डांस करने के लिए इकट्ठा होती है। रात के टाइम लिटिल विच अपने घर में छुपके छुपके से अपनी मैजिकल ब्रूम यानी जादुई झाड़ू उठाकर अपने घर से निकल जाती है। वो कोशिश करती है कि वो क्रो उसे ना देख पाए, और वो उसी माउंटेन पर पहुंच जाती है जहाँ पर सारी बड़ी विचेस पार्टी कर रही थी। तब लिटिल विच सोचती है कि कोई भी उसे पहचान नहीं पाएगा और वो भी यहाँ सभी के बीच शामिल हो जाएगी, लेकिन तभी वहाँ पर एक पुरानी विच जिसका नाम रम्पम पेल होता है वो लिटिल विच को पकड़ लेती है और वो सभी को बताती है कि देखो हमारे बीच एक विजिटर आई है, मींस बिन बुलाई मेहमान जो कि अभी छोटी है। जिस पर लिटिल विच कहती है कि मैं छोटी नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। फिर लिटिल विच अपनी उम्र बताती है। तब वो सभी कहती है कि तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम में से तो अच्छी खुशबू आ रही है, साथ साथ तुम्हारे फेस पर कोई रिंकल्स भी नहीं है। क्या तुम नहीं जानती कि यहाँ पर आना सख्त मना है जब तक कि तुम्हें कोई इन्विटेशन ना मिले? तब लिटिल विच कहती है कि मैं भी आप लोगों जैसा बनना चाहती हूँ और मैं आपकी बात मानूंगी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। तब सारी विचेस सोचती है कि इसे पनिशमेंट दी जाए, और कोई आम पनिशमेंट नहीं बल्कि बुरी से बुरी पनिशमेंट। तभी हेड विच लिटिल विच के सामने एक काफी बड़ी बुक रखकर उसे कहती है कि ये एक बड़ी सी किताब है और इसे तुम्हें एक साल के अंदर पूरी याद करनी है, और अगले साल आज के ही दिन तुम्हारा टेस्ट होगा, और अगर तुम पास हो गई और इस बुक में लिखी गई सारे स्पेल्स तुमने याद कर ली तो तुम्हें भी यहाँ पर बुलाया जाएगा। लेकिन बाकी विचेस इस बात पर एग्री नहीं करती और वो कहती है कि इसे कोई ना कोई पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए, तो क्यों ना हम इसके बाल ही जला दें और या फिर हम इसे मिट्टी के अंदर ही गाड़ दें। तब रम्पम पल कहती है कि इसकी मैजिकल ब्रूम यानी जादुई झाड़ू ले लेनी चाहिए। तब ये लोग ऐसा ही करती है और वो लिटिल विच की झाड़ू ले लेती है और उसे जला भी देती है। अब क्योंकि झाड़ू के बगैर तो लिटिल विच अपने घर नहीं जा सकती थी, इसीलिए वो 3 दिन का लंबा सफर पार करके इस भारी बुक को उठाकर पैदल ही अपने घर जाना पड़ता है। अब किसी न किसी तरह करके लिटिल विच इस बड़ी सी भारी सी बुक को लेकर अपने घर फाइनली पहुंच जाती है, जहां पर उसका क्रो उससे कहता है कि तुम्हें वहां पर जाना ही नहीं चाहिए था, तुमने गलती की है। तब लिटिल विच उसे वहां की बातें बताने लगती है कि वहां पर बहुत मजा आ रहा था, सारे लोग काफी इंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे, और इसी के साथ मैं रम्पम पेल पर भी काफी गुस्सा हूँ क्योंकि उसने मेरी जादुई झाड़ू ले ली और उसे जला दिया, और मैं उसे बदला लेना चाहती हूँ। ये कहकर लिटिल विच वहाँ पर एक फेस ड्रॉ करती है जो कि काफी खौफनाक लग रहा था। फिर लिटिल विच कहती है कि एक दिन मैं रम्पम पेल को ऐसा बना दूँ, और अब वो उस बुक को खोल लेती है, वो बड़ी सी बुक जहाँ से उसने सारे स्पेल्स याद करने थे, लेकिन वो स्पेल्स अभी तक उसे ठीक से बोलने भी नहीं आ रहे थे, इसीलिए वो कोई ना कोई गड़बड़ करती रहती थी। फिर एक दिन वो जंगल में देखती है कि कुछ औरतें छोटी लकड़ियां जमा कर रही हैं, और वहाँ हवा ना चलने की वजह से वो औरतें काफी परेशान भी थी। तब ये देखकर लिटिल विच अपना मैजिक करती है जिससे वहाँ पर काफी तेज हवा चलने लगती है, जिससे होता ये है कि छोटी लकड़ियां वहाँ पर आकर गिरने लगती है और एक जगह पर इकट्ठा हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर जनरल पहुँच जाता है जो उन औरतों को कहता है कि तुम ये लकड़ियां कहीं पर भी नहीं ले जा सकती। तब लिटिल विच उस पर भी मैजिक कर देती है जिससे वो जनरल अब कह देता है कि तुम ये सारी लकड़ियां ले जा सकती हो। तब लिटिल विच उस जनरल को कहती है कि तुम मुझे मेरे घर पर छोड़ दो। अब उस जनरल के ऊपर इतना मैजिक हो चुका था कि वो लकड़ियों को भी अपने पीछे उठा लेता है और साथ साथ विच को भी। जब लिटिल विच घर आती है तो वो क्रो उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था, तुमने उन औरतों की हेल्प की तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस जनरल से बदला भी लेती। अब क्योंकि लिटिल विच के पास उसकी जादुई झाड़ू नहीं थी, इसीलिए वो मार्केट में जाती है नई झाड़ू खरीदने के लिए, जहाँ वो बाजार जाकर बहुत सारी चीजों
को नोटिस करती है। वहीं पर उसे ब्रूम की एक शॉप मिल जाती है। वहां वो देखती है कि छोटी बच्ची यानी थॉमस की बहन खड़ी हुई है, जिसकी मदर के पास कैंडिस दिलवाने के पैसे नहीं थे। इसीलिए पहले लिटिल विच अपने लिए ब्रूम पसंद करती है और साथ साथ वो कुछ कैंडिस भी खरीद लेती है। और जब थॉमस की सिस्टर अपनी पॉकेट चेक करती है तो उसमें से कैंडी निकलती है और ये देख कर उसे समझ नहीं आती कि आखिर उसके पास ये कैंडी कहाँ से और कैसे आई। वहीं पर लिटिल विच एक लड़की को देखती है जो कि कागज के फूल बेच रही थी। वो लड़की उसे बताती है कि ये फूल कोई भी नहीं खरीद रहा है। और तभी लिटिल विच उन फ्लावर्स पर मैजिक करके उन्हें खूबसूरत और अच्छी फ्रेग्रेंस वाला बना देती है, जिससे उस फ्लावर्स वाली लड़की के सारे फूल बिक जाते हैं। और ये देख कर लिटिल विच बहुत खुश होती है। और अब यहाँ पर उसके पास अपनी झाड़ू भी आ चुकी थी, इसीलिए वो उस ब्रूम का यूज करके उड़ के अपने घर जाती है। उधर थॉमस और उसकी सिस्टर अपना रास्ता भूल गए थे जंगल में, और इसीलिए वो लिटिल विच के घर भी पहुंच जाते हैं। तब वो दोनों बच्चे उसे पहचान कर कहते हैं कि तो मार्केट वाली लड़की है। तब लिटिल विच खाने के लिए उन्हें बहुत अच्छी अच्छी चीजें देती है। और तब थॉमस की सिस्टर उसे यहाँ पर पूछ लेती है कि क्या तुम विच हो, यानी क्या तुम चुड़ैल हो। तब थॉमस अपनी बहन को कहता है कि तुम्हें उससे ऐसी बात नहीं पूछनी चाहिए थी। और तब लिटिल विच यहाँ पर उन्हें अपना मैजिक करके दिखाना शुरू कर देती है। तब वो बच्चे उसका मैजिक देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और बाद में वो लिटिल विच से अलग अलग चीजें करने के लिए कहते हैं। तब लिटिल विच वो सारी चीजें उन बच्चों को करके दिखाती है और साथ साथ वो अपने घर की हर एक चीज से गाना बजाना भी शुरू कर देती है। और ठीक उसी टाइम उनके दरवाजे पर कोई आ जाता है। और जब लिटिल विच बाहर आकर चेक करती है तो उसे वहाँ पर रम्पम पेल मिलती है। तो वो लिटिल विच को कहती है कि मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुमसे मिलती चलूं। और बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है, यानी उस बुक की पढ़ाई। तब लिटिल विच उससे कहती है कि आज मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैं तो सफाई कर रही थी। यहाँ पर रम्पम पेल को पता चल गया था कि अभी अभी लिटिल विच ने मैजिक किया है, इसीलिए वो लिटिल विच को कहती है कि तुम्हें पता है ना कि आज फ्राइडे है और फ्राइडे को मैजिक नहीं कर सकते। वहाँ पर रखी हुई बास्केट देखकर रम्पम पेल उसे पूछती है क्या तुम्हारे घर में कोई विजिटर है। तब लिटिल विच इनकार करती हुई कहती है कि नहीं नहीं मेरे घर पर तो कोई भी नहीं है। अब यहाँ पर वो जो दो बच्चे होते हैं यानी वो सिबलिंग्स, वो छींकने लगते हैं, तो उनकी वजह से यहाँ पर लिटिल विच को भी छींकना पड़ता है। तब रम्पम पेल को शक हो जाता है कि घर के अंदर कोई ना कोई तो जरूर है और वो ये सारी चीजें अपनी बुक के अंदर नोट भी कर लेती है। अब लिटिल विच इन बच्चों को वापस इनके घर भेजती है, लेकिन रम्पम पेल उन बच्चों को पकड़ लेती है और यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि वही बच्चे हैं जो लिटिल विच के घर पर छुपे हुए थे। उधर क्रो लिटिल विच को समझा रहा होता है कि जब तुम्हें पता था कि फ्राइडे को मैजिक नहीं करते तो फिर तुमने मैजिक क्यों किया। तब लिटिल विच कहती है कि मैं तो उन बच्चों को बस खुश करना चाहती थी। अब लिटिल विच यहाँ पर उस बुक को पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ती है ताकि वो सारे मैजिक स्पेल्स याद कर सके, और वो हर टाइम कोशिश करती भी रहती थी कि वो इन स्पेल्स को ठीक से बोल सके। अब इसके बाद यहाँ पर विंटर सीजन आ गया था, जहाँ क्रो को सर्दी लगने की वजह से वो बाहर जाने से मना कर देता है। तब यहाँ पर लिटिल विच कहती है कि मैं जरा ताजी हवा में फ्रेश होकर आती हूँ। अब लिटिल विच जब मार्केट में पहुँचती है तो वहाँ पर देखती है कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन दो शरारती बच्चे वहाँ पर आकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। इसीलिए लिटिल विच अब वहाँ पर आकर मैजिक करती है उन दोनों शरारती बच्चों को सबक सिखाने के लिए। इसीलिए वो दोनों बच्चे वहीं पर बर्फ में फंस जाते हैं। तब बाकी सभी बच्चे ये देखकर खुश हो रहे थे, और जब उनमें से एक बच्चा उदास होकर वहाँ से जाने लगता है तो लिटिल विच उसका पीछा करती है। और यहाँ पर रम्पम पेल भी मौजूद थी। लिटिल विच उस बच्चे से पूछती है कि तुम मुझे थोड़ा परेशान लग रहे हो, तो मुझे बताओ कि आखिर क्या बात है। तो वो बच्चा बताता है कि जो आदमी मुझे मार रहा था असल में वो मेरे फादर है और उन्हें जुए की लत लग गई है और वो सारे पैसे उसी में वेस्ट कर देती है। तभी सुनकर लिटिल विच उस बच्चे की हेल्प करती है और रात में वो उसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उस बच्चे के फादर जुआ खेलने आया करते थे। और वो लोग वहाँ पर गेम खेल रही थी जहाँ पर मैजिक होने की वजह से वो बॉल बार बार वुडन फ्लोर से टकरा रही थी, जिसकी वजह से वो पूरी जगह टूट जाती है। और तब उन लोगों को धक्के देकर वहाँ से निकाल दिया जाता है, जिनमें उस बच्चे के फादर भी शामिल थे। तब वो बच्चा अपने फादर की हेल्प करता है। तब यहाँ पर उसके फादर को भी रियलाइज हो चुका था कि उसने अपने बच्चे को गलत ही डांटा था। अब ये चीज रम्पम पेल भी नोटिस कर रही थी कि जो लिटिल विच है वो तो एक अच्छी विच है, सबके साथ अच्छा करती है, खुश करती है, सबको भलाई करती है सबके साथ। जब लिटिल विच अपने घर पहुंचती है तो उसे हर जगह पर कैंडल जलती हुई दिखाई देती है और इसी के साथ उसे वहाँ पर केक भी नजर आता है। अब ये सब कुछ उस क्रो ने किया था क्योंकि आज लिटिल विच का बर्थडे होता है और आज वो पूरे 128 सालों की हो गई थी। फिर एक दिन रम्पम पेल लिटिल विच के घर के बाहर आती है, जहाँ पर वो लिटिल विच को इन्विटेशन देती है एनुअल पार्टी में आने के लिए। साथ साथ वो उसे ये भी कहती है कि तुम्हें याद है ना कि तुम्हारा टेस्ट है। तब लिटिल विच उससे कहती है कि जाकर बता दीजिएगा मैं बिल्कुल तैयार हूँ, पूरी तैयारी के
साथ आऊंगी मैं और मैं एक अच्छी विच बनकर दिखाऊंगी। और आज वो दिन आ चुका था जिस दिन लिटिल विच का टेस्ट होने वाला था। और वो एक ऐसी केव में जाती है जहाँ पर कोई भी नहीं था और तभी वो आवाज लगाती है कि मैं पहुँच गई हूँ। और तभी यहाँ पर बाकी सारी बड़ी विचेस भी आ जाती है और उससे कहती है क्या तुम तैयार हो। इसके बाद वो लिटिल विच को अलग अलग मैजिक करने के लिए कहती है जहाँ पर उसे सारे मैजिक याद थे। बगैर बुक की हेल्प लिए उसने सारे मैजिक करके दिखाए जिससे सारी की सारी विचेस काफी खुश हो जाती है। और तभी रम्पम पेल कहती है कि मैंने पूरे साल इस लड़की पर नजर रखी है, ये तो एक अच्छी विच है, लोगों के साथ भलाई करती है, लोगों की हेल्प करती है और उसकी उम्र भी अभी ज्यादा नहीं हुई है और ना ही फेस पर रिंकल्स आए हैं। तभी यहाँ पर हेड विच लिटिल विच को कहती है कि ये तो तुमने बहुत बड़ी गलती की है क्योंकि तुम लोगों की हेल्प नहीं कर सकती हो क्योंकि जो लोगों की हेल्प करती है वो बुरी विच होती है। तब लिटिल विच अपनी सफाई में कहती है कि अगर मैंने लोगों की हेल्प कर दी तो इसमें बुराई क्या, और ये बात मुझे आज से पहले बताई भी नहीं गई थी कि भलाई करना विचेस के लिए मना होता है। अब इसी वजह से लिटिल विच की सारी मैजिकल पावर्स खत्म होने वाली थी। तभी रम्पम पेल कहती है कि अगर तुम बचना चाहती हो तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो जो दोनों बच्चे हैं इन्हीं थॉमस और उसकी सिस्टर, उन्हें तुम्हें पत्थर का बनाना होगा और तभी तुम जाकर हम में से एक बन सकती हो। तब लिटिल विच ऐसा करने के लिए मना कर देती है और वो बड़े गुस्से में अपने घर आ जाती है जहाँ पर वो अपने फ्रेंड इन्हीं क्रो को भी बुरा भला कह देती है और ये भी कह देती है कि अगर तुम यहाँ पर ना होती तो अच्छा होता क्योंकि तुमने ही मुझे अच्छा बनना सिखाया था। ये कहकर वो उस क्रो को अपने घर से बाहर निकाल देती है। अब पूरा एक दिन होने वाला था इसीलिए वो उन सिबलिंग सिली थॉमस और उसकी बहन के पास पहुंचने वाली थी उन विचेस की बात मानकर उन्हें पत्थर का बनाने के लिए। वो स्पेल्स भी पढ़ती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। लिटिल विच उन दोनों बच्चों को बताती है कि मैं कोई बुरा काम नहीं कर पा रही हूँ। तब वो दोनों बच्चे कहते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है बल्कि ये तो अच्छी बात है। तब लिटिल विच उनसे कहती है कि आज मेरे जादू की आखिरी रात है और इसके बाद मैं कभी भी जादू नहीं कर पाऊंगी। लेकिन तभी लिटिल विच उन बच्चों के चारों तरफ एक जादुई घेरा बना देती है ताकि कोई दूसरी विच आकर उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे, उन्हें परेशान ना करे। तब रम्पम पेल वहाँ पर आकर लिटिल विच को कहती है कि अगर तुमने इन बच्चों को ना मारा तो मैं मार दूंगी इन बच्चों को और ये बात तुम भूलना मत बल्कि याद रखना। अब जब लिटिल विच घर आती है तो वो सोचती है कि अगर ये मैजिकल बुक ही खत्म हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा क्योंकि किसी भी विच को एक भी स्पेल याद नहीं है। इसीलिए लिटिल विच सारी तैयारी करके उन स्पेल्स को याद करके चली जाती है। लेकिन जब वो अपनी पॉकेट के अंदर मैच बॉक्स डालती है तो वो मैच बॉक्स वहीं पर गिर जाता है। अब यहाँ पर वो क्रो सोचता है कि उसे लिटिल विच की हेल्प करने के लिए जाना चाहिए और आज की रात वही रात थी जिस रात सभी विचेस मिलकर डांस करती थी। अब लिटिल विच वहाँ पर आकर जादू करने लगती है। वो सभी की ब्रूम एक साथ बोन फायर में डाल देती है और इसी के साथ वो सारी मैजिकल बुक्स को भी बुला लेती है और उन्हें भी वो बोन फायर में डाल देती है। लेकिन उसके पास मैच बॉक्स नहीं था और एक मिनट के लिए वो भी स्पेल्स बोलने लगती है और इसी वजह से सारी विचेस उस पर भारी पड़ने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर लिटिल विच हेड विच को एक फ्रॉक में बदल देती है। अब यहाँ पर वो सारे विचेस हंस तो रही थी लेकिन रम्पम पेल वहाँ से गायब हो जाती है। अब यहाँ पर वो क्रो भी पहुँच चुका था लिटिल विच की हेल्प करने के लिए वो मैच बॉक्स लेकर। अब लिटिल विच अपना मैजिक करके वहाँ की सारी विचेस को फ्रॉक में बदल देती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने क्रो को गले से लगाती है। और अब जैसे ही वो बड़े से बोन फायर को आग लगाने ही वाली थी कि तभी उसे रम्पम पेल मिल जाती है जिसे लिटिल विच हमेशा से ही एक अलग जानवर बनाना चाहती थी। और फाइनली लिटिल विच उस पर अपना मैजिक करके उसे खौफनाक से जानवर में बदल देती है। इसके बाद लिटिल विच उस बोन फायर में आग लगा देती है जिससे सभी की मैजिकल ब्लूम्स और वो बुक्स भी जल जाती है और वो सारी विचेस जो कि फ्रॉग बन गई थी वहाँ से दूर भाग गई थी। अब लिटिल विच और उसका फ्रेंड क्रो वहाँ पर अकेले ही थे जो कि अकेले ही इस जगह पर एंजॉय करने लगते हैं, डांस करने लगते हैं। अब लिटिल विच इतनी ज्यादा खुश होती है कि वो पूरी रात वहाँ पर डांस करती रहती है और कहती है कि अब यहाँ पर कोई भी बुरी विच नहीं आएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि लिटिल विच अपने क्रो को भी मैजिक करना सिखा रही थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।